किया केस, पाकिस्तान भेजता था सेना से जुड़ी जानकारियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन चैनल। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के पोखरण से भारतीय रक्षा प्रतिनिधियों पर जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी हबीबुर रहमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उसके पास से सेना के महत्वपूर्ण नक्शे और दस्तावेज बरामद हुए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है और उनके देश का दौरा भी किया था। अब गिरफ्तार व्यक्ति से और पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने रहमान के कब्जे से सेना के इलाकों के गोपनीय दस्तावेज और नक्शे बरामद किए हैं। आरोपी का कहना है कि आगरा में तैनात सेना के एक जवान परमजीत कौर ने उसे ये दस्तावेज दिए थे। परमजीत कौर से अब अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा। रहमान को इन दस्तावेजों को कमल नाम के शख्स को सौंपना था। पुलिस ने कुछ अन्य संबंधियों को भी गिरफ्तार किया है और उसे शक है कि इसे कोई बड़ा रैकेट चला रहा है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रहमान पिछले कुछ सालों से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पोखरण सेना के बेस कैंप में सब्जियों की आपूर्ति कर रहा था। एजेंसी द्वारा साझा किए गए इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पोखरण के एक संदिग्ध को भी पकड़ा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।